ऑपरेशन अब्दुल फसाद हासिल करदा कामयाबियों को बरकरार रखने के लिए है। एडीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों के जहनों को हदफ बना रही हैं। इस बढ़ते खतरे से नौजवानों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों की कुर्बानियों को रायगान नहीं जाने देंगे। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155. आलमी अदालत इंसाफ भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। वकला के दलाल के बाद महफूज किया गया फैसला, सहपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। बलोचिस्तान से पकड़े गए जासूस कुलभूषण की सजा के खिलाफ भारत ने दरखास्त दी। पाकिस्तान ने आलमी अदालत का दायरा अख्तियार चैलेंज किया। पनामा लीक स्कैंडल, एडिशनल डीजी एफआईए की सरबराही में जेआईटी का इजलास। एफबीआर, इलेक्शन कमीशन, नैब की जानिब से भिजवाए गए रिकॉर्ड का जायजा। हुदैबिया पेपर मिल के मामले पर इसहाक डार को तलबी का नोटिस जल्द भिजवाने पर गौर। वजीर आजम के बच्चों को पहले मरहले में सवाल नामा भिजवाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट शर्जील मेमन का नाम ईसीएल से खारिज करने से मुतालिक दरखास्त की सबात, विफाक की वजारत दाखिला ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का वजारत दाखिला को 1 जून तक तफसीली जवाब दाखिल करने का हुक्म। शर्जील मेमन के खिलाफ जमीनों की अलाटमेंट पर तहकीकात जारी। मुल्क से फरार होना चाहते हैं, नाम ईसीएल में खारिज नहीं किया जा सकता। नैब का मौका। तैयबा तशद्दुद केस में नया मोड़। मरकजी मुलजिम राजा खुर्रम और उनकी अहलिया ने 10 मई के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। राजा खुर्रम अली खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालत 10 फैसले को मुअत्तल करे इस्तदा। कायद आजम सोलर पार्क मंसूबे से मुतालिक अहम इंकशाफा। सोलर मंसूबे से 100 मेगावाट की बजाय 16 मेगावाट फी घंटा बिजली पैदा हुई। इफ्तिताह से लेकर अब तक 3 अरब 73 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। सोलर पार्क मंसूबे का टैरिफ 19 रुपए 35 पैसे फी यूनिट है। अप्रैल तक जून का टैरिफ जारी। कायद आजम सोलर पार्क मंसूबे के टैरिफ में 27 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की एक जेल में मजीद 4 दहशतगर्दों को फांसी दे दी गयी। फांसी पाने वालों में सरदार अली, इब्राहिम रिजवानुल्लाह और शेर मोहम्मद खान शामिल। चारों दहशतगर्दों का ताल्लुक कल आदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से था। मुजरिम बिजली की तंसीबात पर हमले, मासूम शहरी और फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस थे। कराची के इलाके पटेलपाड़ा, बलोचपाड़ा और गौसिया कॉलोनी के तरफ में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरक ऑपरेशन। 10 अफराद जेरे हिरासत। पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। डकैत गैंग के 6 कारिंदों समेत 9 मुलजिम गिरफ्तार, असलाह बरामद। उधर लियारी में पुलिस मुकाबले में 1 मुलजिम हला। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने अंदरूने मुल्क सामान की तरसील शुरू कर दी। पुलिस ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि नॉर्दर्न बाईपास को डबल और लियारी एक्सप्रेस वे को अगस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। कराची में इंटर के इम्तिहान में नकल का मामला। सीटीडी ने बोर्ड ऑफिस कॉलोनी में छापा मारकर 3 एजेंट हिरासत में ले लिए। पकड़े गए अफराद में बोर्ड ऑफिस इंतजामिया के लोग भी शामिल। गुजरावाला में लुधियावाला गोराइया के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर 3 अफराद जहां बहक हो गए, 2 जख्मी। डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर रानीपुर में कार की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जहां बहक हो गए। विफाक का नए माली साल के बजट में 50% एडहॉक रिलीफ। 2010 मौजूदा तनख्वाह में जम करने पर होमवर्क मुकम्मल। वजारत खजाना ने समरी मंजूरी के लिए भेज दी। उधर सिफारिशी चिट्ठों पर गैर मुतलका अफराद को बार दाना देने से मुल्क भर में 70 लाख टन गंदम खराब होने का खदशा। रोजनामा 92 न्यूज की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मंजूर बट्टू और कयूम सोमरो का फिरदौस आशिक अवान सिराबता। 4 साल लावारिस छोड़ दिया गया, अब क्यों ना सियासी वारिस तलाश करूं। फिरदौस आशिक अवान का जवाब, कहती हैं अभी पार्टी नहीं छोड़ी मगर क़यादत ने बराह रास्त कोई राब्ता नहीं किया।
तहरीक इंसाफ कल क्वेटा में सियासी मैदान सजाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज ही क्वेटा चले जाएंगे। इमरान खान रात क्वेटा में कयाम और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। For the first time in history, Raw Wrestling comes to Pakistan with main events all over the country. PWE, Raw Wrestling Entertainment Pakistan. कराची में रेसलिंग का आलमी मेला, पाकिस्तानी नयाद बादशाह पहलवान खान ने मुकाबला जीत लिया। पहली फाइट यासीन उस्मानी, दूसरी एडम फ्लेक्स के नाम रही। तीसरा मुकाबला फ्रांस की एंजल्स बॉम्बिटा, चौथा ओमन ने जीता। पांचवा बर्तानिया की टाइनी आयरन और छठा मुकाबला बर्नार्ड और प्रिंस जेफे के नाम रहा। FBI के साबिक सरबराह रॉबर्ट मॉलर रूस के साथ अमरीकी सदर ट्रंप के खुफिया राब्तों की तहकीकात करेंगे। व्हाइट हाउस के रॉबर्ट मॉलर की तैनाती का खैर मकदम, अमरीकी सेनेट और कांग्रेस का अपने तौर पर इंक्वायरी जारी रखने का ऐलान। सऊदी अरब किला के ताज रिजन में जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुल्हिका वादियों में भी सैलाब की सूरत हाल का सामना, दर्जनों मकान पानी में डूब चुके, सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सड़कें नहरों का मंजर पेश करती रही। सैलाबी इलाकों में तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया ने आवामी मकामात पर खवातीन के नकाब पर पाबंदी लगा दी। आवामी मकामात पर खवातीन के चेहरा छुपाने पर $167 जुर्माना होगा। पाबंदी का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। ईरान में सदारती इंतखाब का मार्का जोरों पर, मैदान कल सजेगा। साबिक मेयर मोहम्मद बाकर इब्राहिम रईसी के हक में और साबिक नायब सदर हसन जहांगीरी साबिक सदर हसन रोहानी के हक में दस्तबरदार हो गए। अब असल मुकाबला इब्राहिम रईसी और हसन रोहानी के दरमियान होगा। अमेरिका में कुर्सी पर लड़ाई, खातीन की एक दूसरे की धराई। अमेरिकी शहर एलिंगटन में एक स्कूल की तकरीब में खातीन कुर्सी पर आपस में झगड़ पड़ी। मुक्कों लातों घूंसों से एक दूसरे पर तशद्दुद किया। मुंतजमीन ने कुर्सी देने के बजाय उन्हें तकरीब से ही निकाल दिया। और गुजरात के निजी मेडिकल कॉलेज में रंगारंग फैशन शो, देखने वालों पर सहर तारी। रैंप पर वॉक करती मॉडल्स के रंगारंग मलबूसात भी शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे।